नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। रीवा जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावा के नेतृत्व में रीवा शहर में समस्त थाना प्रभारी और उनके स्टाफ के द्वारा रीवा शहर के समस्त थाना क्षेत्र में पुलिस ने अनावश्यक रूप से घूमने वालों को उठक बैठक लगाकर खदेड़ा गया है। साथ ही हिदायत दी गई है कि सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। जैसा कि आपको विदित है, 3 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी और केवल डेयरी दूध और अन्य जो किसी का ऑफिस हो या बैंक हो, इनको छोड़ के बाकी जितनी जो भी सुविधाएं, सभी घर पे रहेंगे। 3 दिन संपूर्ण लॉकडाउन है। इसी के तारतम्य आज सवेरे 6 बजे से एक पेट्रोलिंग की गई थी और अभी 11 बजे से सभी शहर के थाना प्रभारियों के साथ में DSP हेडक्वार्टर, यातायात प्रभारी, DSP यातायात, CSP साहब और SDM साहब के साथ में हम लोगों ने शहर की पेट्रोलिंग की है। इसका उद्देश्य यह था कि मुख्य मार्ग पर हम लोग देखते हैं कि पालन तो हो रहा है, परंतु जितने भी जो रिहायशी इलाके हैं, जहाँ पर कॉलोनी है, सघन बस्तियाँ है, वहाँ पर लोग अमूमन घर से बाहर आ जाते हैं। आज इसका उद्देश्य यही था कि सघन बस्तियों का राउंड लगाया जाए और ऐसी बस्तियों पर भी पेट्रोलिंग की जाए जहाँ पर लोग अनावश्यक रूप से बाहर निकलते हैं। देखने में आया कि अभी तक तो लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, शाम के समय फिर पुनः इस तरह की एक पेट्रोलिंग की जाएगी। शाम को कुछ लोग घूमते पाए जाते हैं, सर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? अभी जो पकड़े गए हैं उनके खिलाफ 151 की कार्रवाई थाना कोतवाली में की गई है और जो अनावश्यक घूम रहे हैं उनकी हवा हम निकाल रहे हैं, उन्हें सख्त हिदायत भी दे रहे हैं, अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी उनके विरुद्ध की जा रही है।